एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर्स के लिए कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट जो कि आप लोगों के पास जरूर होने चाहिए। गर्मियों के सीजन में धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती है। यूवी रेज से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो जिनकी हेल्प से हम अपनी स्किन की अच्छे से केयर कर सकें। तो आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर बेस्ड है। आई नो मैं थोड़ी सी इस वीडियो में लेट हो चुकी हूँ इस वीडियो को बनाने के पर्पज से, बट वो कहते हैं ना देर आए मगर दुरुस्त आए। तो और भी ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोज देखने के लिए। एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब मैं फ्यूचर में न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छी लगे तो करें इसको लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत। सो सबसे पहला जो इसेंशियल प्रोडक्ट हम लोगों के पास होना चाहिए वो है फेस वॉश, जो कि अच्छे से आपकी स्किन से ऑल और डेड स्किन का आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर सके। और मेन बात है हमें फेस वॉश अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क कर सके। अगर आपको अपनी स्किन का टाइप नहीं मालूम है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। और फेस वॉश के लिए जो मेरे पास ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है क्लीन एंड क्लियर का फॉर्मिंग फेस वॉश। ये बेसिकली जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए प्रेफर करती हूँ मैं। और ये ऑयल फ्री है, आपके पोर्स को भी क्लॉग्ड नहीं करता है। तो और अच्छे से ये आपके स्किन से डर्ट और ऑयल को निकाल करके अच्छे से आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। और सेकंड ऑप्शन में मेरे पास है लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश। ये लेमन फेस वॉश है जो कि आपके फेस के लिए सभी स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है मेरे पास वाओ का एक्टिवेट चारकोल फेस वॉश। इसमें एक्टिवेट चारकोल बीड्स के साथ साथ टी ट्री ऑयल के भी बीड्स हैं और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। इसमें सल्फेट भी नहीं है एंड पैराबेन्स भी नहीं है। एंटी पॉल्यूशन, एंटी टॉक्सिन एंड एंटी डर्ट फेस वॉश है। और जैसा ऑलरेडी मैंने बताया कि सभी स्किन टाइप वालों के लिए है। और साथ में ये जिन लोगों का एक्ने प्रोन स्किन है उन वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड इसेंशियल प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास होना चाहिए वो है टोनर। टोनर हमारे इस डेली स्किन केयर रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको आप डेली में जरूर यूज़ आप लोगों को जरूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है। और टोनर के लिए मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है डाबर, गुलाबरी का, रोज वाटर। इसको सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास बायोटिक का बायो ककम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालयन वाटर्स। और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। अगर आप थोड़ा सा हाई रेंज में जाना पसंद करते हैं तो थर्ड ऑप्शन में मेरे पास है फॉरेस्ट इसेंशियल का फेशियल टोनर जो कि पंच पुष्प से बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा मैं इसको अभी लास्ट कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे स्किन के लिए। और एंड फोर्थ एंड लास्ट जो ऑप्शन है मेरे पास वो है काया का एवरीडे इसेंशियल डेली पोर मिनिमाइजर टोनर। एल्कोहल फ्री है विथ विच हेजल एंड ककम्बर एक्सट्रैक्ट। और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए। सो नेक्स्ट इसेंशियल प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास होना चाहिए वो है मॉइस्चराइजर। बाकी सीजन की तरह गर्मियों में भी हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, पर जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उन लोगों को लगता है कि उनको फेस को मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसा जो लोग सोचते हैं कम्प्लीटली रॉन्ग सोचते हैं। उनको क्या करना चाहिए कि अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए ताकि उनका जो मॉइस्चराइजर है अच्छे से वर्क कर सके। तो मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए है। तो ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन भी मेरे पास जो है वो लैक्मे का ही है, लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग डे क्रीम विथ, और इसमें सनस्क्रीन भी है। बट जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन लोगों को ये क्रीम नहीं यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो ये उनके फेस को और भी ड्राई कर देती है। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है मेरे पास प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। और जिन लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है उन लोगों के लिए बेटर है। और ये सिलिकॉन फ्री है, बहुत ही ज़्यादा आपके फेस को मैट फिनिश देती है। और
जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन लोगों को ये क्रीम जरूर यूज करनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट इसेंशियल प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन। गर्मियों के सीजन में सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी होता है। दिस इज काइंड ऑफ स्किन सेवियर। जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर विजिट करते हैं, उन लोगों को तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना ही चाहिए, बट जो लोग घर में रहते हैं उन लोगों को भी सनस्क्रीन को अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो सनस्क्रीन के लिए सबसे मेरा पहला जो ऑप्शन है वो है बायोटिक का बायो सैंडलवुड, जो कि 50+ SPF के साथ मिलता है और इसमें UVA एंड UVB है और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है और इसमें लिखा है वेरी वाटर रेसिस्टेंस। एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है न्यूट्रीजीना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+ के साथ विथ हीलियोफ्लेक्स टेक्नोलॉजी, और जस्ट इसका मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दिस इज माय फेवरेट सनस्क्रीन। सो हमारा नेक्स्ट इसेंशियल प्रोडक्ट है वो है स्क्रबिंग। हमारा डेली स्किन केयर रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमें वीक में 2 से 3 बार स्क्रब जरूर करना चाहिए। ये हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को निकालता है, हमारे सेल्स को, स्किन के सेल्स को रिजुविनेट करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। और स्क्रब के लिए जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो है बायोटिक का बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब, जो कि बहुत बेटर है। ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है। सो सेकंड जो ऑप्शन है वो है एवर यूथ का नेचुरल्स का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब, जो कि आपके स्किन से रिमूव करता है ब्लैक हेड्स और डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है वो है प्लम का कैमोमिले एंड वाइट टी ब्राइटन अप फेस स्क्रब, और इसको भी ये नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है, तो इसको भी आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी से फुल डे बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस, प्लीजेंट सी फ्रेगनेंस आती रहे, आपके आसपास के लोग आपके पास ही रहें, आपसे दूर ना भागे, तो आपको इस तरीके का रोल ऑन जरूर यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन है निविया ड्यूडरेंट पर्ल एंड ब्यूटी, जो कि 48 आवर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें 0% अल्कोहल है एंड स्मूथ एंड ब्यूटीफुल अंडर आर्म्स प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास ये रोल ऑन। एंड सेकेंड जो ऑप्शन है मेरे पास वो भी निविया का ही है, निविया ड्यूडरेंट प्रोटेक्ट एंड केयर। ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है और निविया जो क्रीम है उसकी इसमें फ्रेगनेंस ऐड की गई है, और ये डायरेक्टली अगर आप शेव करते हैं अपने अंडर आर्म्स को तो ये डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको होल डे आपको बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल रखता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील कराता है। तो आपको ये सेकंड ऑप्शन है, आपको इस तरह का ड्यूडरेंट और रोल ऑन जरूर यूज करना चाहिए। सो फेस के साथ साथ हमें अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें बॉडी लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉडी लोशन के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो कि है निविया का सन प्रोटेक्शन। ये आपको सन का प्रोटेक्शन तो देता ही है, साथ में आपके स्किन को, आपके बॉडी को मॉइस्चराइजर भी प्रोवाइड करता है। इसमें SPF 50 है और ये UVA एंड UVB से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, और ये वाटर रेसिस्टेंस भी है। तो इस तरीके का आपके पास बॉडी लोशन जरूर होना चाहिए। सो नेक्स्ट इसेंशियल प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास होना चाहिए वो है फेस पैक। ये आपके फेस से एक एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, आपके फेस से सभी तरीके की इम्प्योरिटीज़ को निकालता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और जो आपके पोर्स की जो अपीयरेंस है उसको भी मिनिमाइज करता है। तो इसके लिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो है बायोटिक का वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक। ये आपके फेस से डी पिगमेंटेशन को रिमूव करने के साथ साथ टैनिंग को भी रिमूव करता है और आपके फेस पे इंस्टेंट वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड ऑप्शन है मेरे पास वाव का एक्टिवेट चारकोल फेस मास्क। इसका मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इसके बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलते हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये दिस इज़ द माई नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी मैंने समर इसेंशियल प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही तो इसको लाइक का बटन प्रेस जरूर कीजिए, और इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।